शरीर के तल पर आपको पूरे शरीर को शिथिल करना है, विश्राम पूर्ण करना है, शांत करना है। यह काम सिर्फ एक मिनट में हो सकता है आपका। एक मिनट आप शरीर को आदेश देंगे शिथिल होने का, शांत होने का, शून्य होने का। शुरू शुरू में आप कर सकते हैं, आप अपने शरीर के पांच चक्रों को, पांच जो मुख्य चक्र हैं उन चक्रों को आदेश दें। पहला महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार। लेट गए हैं, अपने मूलाधार चक्र को, जननेन्द्रिय के आसपास, सेक्स सेंटर के आसपास का जो क्षेत्र है, अपनी चेतना वहां ले जाएं और मूलाधार क्षेत्र को आदेश दें कि पूरी तरह शिथिल हो जा, शांत हो जा। आदेश भी नहीं देना, भावना करना है कि अब मेरा मूलाधार केंद्र पूरी तरह शिथिल हो गया है, शांत हो गया है। मूलाधार के शिथिल शांत होने का अर्थ है कि आपके मूलाधार, पैर से लेके मूलाधार तक सारा शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया, शांत हो गया। तो ऐसी भावना करेंगे कि पैर से लेके मूलाधार तक पूरा शरीर शांत हो गया है, मूलाधार केंद्र पूरी तरह शांत हो गया। अब उसके ऊपर दूसरा चक्र नाभि केंद्र पर आ जाए, जिसके पास स्वाधिष्ठान चक्र है। अब नाभि केंद्र को आप भाव करेंगे कि मेरा नाभि केंद्र पूरी तरह शांत हो गया है, शिथिल हो गया है, शांत हो गया, शिथिल हो गया। फिर उसके ऊपर तीसरे चक्र पर आ जाइए, हृदय केंद्र के पास, जहाँ अनाहत चक्र है। अब हृदय केंद्र पर भावना करें कि अब अनाहत चक्र पूरी तरह शिथिल हो गया है, शांत हो गया है। भाव करें कि मेरा हृदय केंद्र पूरी तरह शिथिल हो गया, शांत हो गया। और उसके ऊपर आ जाए, फिर बीच के चक्रों को छोड़ के सिर्फ आज्ञा चक्र पर आ जाए कि मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह शिथिल हो गया है, शांत हो गया है। और फिर सहस्रार पर आ जाए कि मेरा मस्तिष्क क्षेत्र पूरी तरह शिथिल हो गया, शांत हो गया। और इन पांचों चक्रों पर एक एक करके आ जाए, कोई एक मिनट में, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाना। और फिर थोड़ी देर भावना करें कि अब मेरा पूरा शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया है, शांत हो गया है, विश्राम पूर्ण हो गया है। तीन बार गहनता से भाव करें कि अब मेरा पूरा शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया है, शांत हो गया है, पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो गया है। अगर समग्रता से करेंगे, इन टोटैलिटी पूरी ऊर्जा लगाकर करेंगे, तो कोई एक से डेढ़ मिनट के अंदर आपका पूरा शरीर पूरी तरह शिथिल शांत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कुछ दिनों के अभ्यास में जैसे आप हैं ही नहीं, शरीर ऐसे पड़ा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर शरीर को आपने पूरी तरह शिथिल और शांत कर लिया। और मैंने कहा गहनता से भाव करने से शरीर ये परिणाम पैदा कर देता है। जब शरीर पूरी तरह शिथिल शांत विश्राम पूर्ण हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है आपको पता है? फिर आपकी श्वास की गति बहुत मंद हो जाती है, शिथिल हो जाती है, शांत हो जाती है। स्वतः श्वास की गति मंद हो जाती है, श्वास धीरे धीरे चलने लगती अपने आप। लेकिन आपको श्वास को और शांत करना है। स्वतः शांत हो गई है, मंद हो गई है, लेकिन अब एक मिनट का समय देंगे श्वास पर और एक मिनट गहनता से भाव करेंगे रोए रोए से कि अब मेरी श्वास पूरी तरह शिथिल शांत मंद होती जा रही है। अब मेरी श्वास पूरी तरह शिथिल शांत मंद हो गई है। गहनता से सिर्फ तीन बार ऐसा भाव कर लेंगे, कोई एक मिनट के अंदर आप पाएंगे इतनी शिथिल शांत मंद हो जाती है श्वास, ऐसा लगने लगता है कि जैसे चल ही नहीं रही। जब आपकी श्वास इतना शिथिल शांत मंद हो जाती है जैसे चल ही नहीं रही है,
तो आपको पता है इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, आपके विचारों का आगमन स्वतः ढीला पड़ने लगता है, विचारों का आगमन शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है, मंद हो जाता है, धीरे धीरे शून्य होने लगता है। जितनी गहनता से आप ये भाव करेंगे उतनी गहनता से आप पाएंगे कि विचारों का आना लगभग रुक सा गया है। पहले बहुत मंद होता जाएगा, फिर धीरे धीरे रुक जाएगा। कोई एक मिनट ऐसी भावना करेंगे और कोई 3 से 5 मिनट के भीतर आप पाएंगे शरीर शिथिल हो गया, शांत हो गया, शून्य हो गया। शरीर शून्य हो गया है, श्वास मंद हो गई है, शांत हो गई है, विचार शून्य हो गए हैं। अब बचा कौन? सिर्फ आप बचे शरीर के भीतर, और आपने शरीर को पूरा पूरा सुला दिया। शरीर सो गया, आप उसके भीतर जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, और साक्षी भाव से शरीर को शिथिल शांत शून्य अवस्था में देखते रहे। साक्षी हो जाएं 10 मिनट के लिए, भीतर पड़े हैं, शरीर को आपने सुला दिया है और आप जाग रहे हैं। कोई ये अवस्था 10 मिनट तक बनाए रखने की चेष्टा करें, क्योंकि ज़्यादा संभावना है कि जैसे आपके ये 5 मिनट पूरे हुए वैसे ही 5 मिनट से 7 मिनट के भीतर 2-3 मिनट और होगा, 2-3 मिनट के भीतर आप नींद में सरक जाएंगे। लेकिन यही होश पूर्ण होने की ज़रूरत है। नींद और ध्यान में इतना ही अंतर है कि शरीर तो सो जाता है, पूरी तरह विश्राम में चला जाता है, लेकिन होश बना रहता है। तो 10 मिनट तक अगर आप होश बनाए रखेंगे तो ये 15 मिनट आपके गहन ध्यान के अवसर बन जाएंगे, और 15 मिनट बीतते बीतते अब आप नींद में सरक जाएंगे, और आपकी नींद गहन होगी, गहरी होगी। परम शांति, प्रफुल्लता और आनंद का भाव आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएगा, और पूरी रात आपके अवचेतन मन में शांति और आनंद का भाव बना रहेगा। जब आप प्रातःकाल सोकर उठेंगे तो उसी शांति और आनंद की भावदशा में उठेंगे, और फिर पूरे दिन आप अकल्पनीय शांति की और आपके दिनचर्या में अद्भुत परिवर्तन की अनुभूति आपको होगी। कोई 40 दिन आप अभ्यास करेंगे तो ये अवधि 10 मिनट जो ध्यान की मैंने बताई, ये 10 मिनट धीरे धीरे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और आधे घंटे तक भी जा सकता है। असली साधक अगर इस रात्रि शैया ध्यान की प्रक्रिया का ही अभ्यास कर ले, धीरे धीरे ये क्रिया और प्लस शेष जो 23 घंटे की जिंदगी के बारे में मैंने आपको सूत्र दिए, अकर्म में जीना, करते हुए अकर्ता का भाव रखना, साक्षी भाव में जीना, और शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि की जो कीमिया बताई उसके प्रति होशपूर्ण रहना, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता की अवस्था के प्रति सजग रहना, इतना बहुत है नए जीवन में प्रवेश करने के लिए और हंसता हुआ जीवन उपलब्ध कराने के लिए। धन से ध्यान तक, पदार्थ से परमात्मा तक, मन चाही चीज़ों को पाने के लिए। इसके बाद जब आप विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करेंगे, विचार शून्यता के विज्ञान का प्रयोग करेंगे, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो बड़ी सरलता से ये तीनों सूत्र आपके जीवन में उतरते हुए नजर आएंगे। अभी तो शुरू करते हैं तो कठिनाई होती, ये तीनों महामंत्र पूर्णता से सिद्ध नहीं हो पाते हैं आपको। अगर ये जो 2 दिन से आपको प्रक्रियाएं दे रहा हूं, इन प्रक्रियाओं के साथ 3 महामंत्रों के प्रति जागरूक रहेंगे आप, तो भौतिक जगत की बड़ी से बड़ी संपदा से लेकर अध्यात्म जगत में परम शांति और परम आनंद की अवस्था के रूप में परमात्मा के स्वाद को भी आप उपलब्ध हो सकेंगे।
एक बात आपको जरूर मैं इस क्रिया के संबंध में कह दूं, इस क्रिया का आपको अभ्यास करना है तो एक मोटी मोटी बात मेरी ध्यान रखिएगा, आप प्रयास करें जितना जल्दी से जल्दी आप भोजन ले सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी भोजन ले लें, एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर भोजन लेकर बिस्तर पर आप जाते हैं तो इस क्रिया को करने में सफलता बाधित होगी, क्योंकि मैंने कहा शरीर शुद्धि का बड़ा महत्व है। जब आप रात में भोजन लेते हैं उसके बाद आपके शरीर की सारी ऊर्जा शरीर के हर केंद्र से खींचकर आपके पेट में आ जाती है और शरीर को श्रम करना पड़ता है। जब शरीर श्रम करने लगता है, एक ओर आप शरीर को श्रम दे रहे हैं भोजन पचाने का, दूसरी ओर आप शरीर को आदेश दे रहे हैं विश्राम पूर्ण होने का, ये विरोधाभास हो गया या नहीं? शरीर के लिए सबसे पहली जरूरत है कि अगर इसमें आपने कुछ डाला, जो भोजन आपने इसको दे दिया, शरीर अगर इसको पचाने में नहीं लग जाएगा तो वो भोजन जहर बन जाएगा आपके शरीर के लिए, शरीर को मार देगा। इसलिए आप कुछ भी समझाओ शरीर को, शरीर कुछ नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखता है, सबसे पहले मस्तिष्क से सारी ऊर्जा खींच के पेट में ला देता है और वो ऊर्जा पेट को भोजन को पचाने में लग जाती है। अब आपने शरीर को श्रम दे दिया, सायंकाल का समय, रात्रिकाल का समय विश्राम का समय है, उस समय शरीर को श्रम देना सबसे बड़ी ना समझी, प्रकृति के अनुकूल चलना है। प्रकृति के अनुकूल चलना है तो शरीर को विश्राम देना है उस समय। तो भोजन जितना जल्दी हो सके उतना कर लें, कम से कम सोने के 3 घंटा पहले भोजन कर लें और इसे नियम बना लें, आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और भोजन के संबंध में जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई उनका ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था भोजन जितना आप करते हैं उससे आधे भोजन की ज़रूरत है, आधे भोजन की ज़रूरत नहीं, वो आप आदतवश खाते हैं। भोजन के संबंध में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमेशा बात याद रखिएगा कि जो भोजन आप करते हैं उस भोजन को पचाना शरीर की सबसे पहली आवश्यकता है, आपकी सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लगती है। तो जितना ही आप काम देंगे शरीर को सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में ही लग जाएगी और किसी काम के लिए बचेगी नहीं, ध्यान के लिए नहीं बचेगी, अंतर यात्रा के लिए नहीं बचेगी, सब ऊर्जा खाली भोजन पचाएगी। और उसके बाद दूसरा बड़ा काम क्या हो जाता है, भोजन को पचाया उसके बाद ढेर सारा वेस्ट आपके शरीर में है, अब शरीर की सारी ऊर्जा उस वेस्ट को बाहर भी फेंकना है, अब बाहर फेंकने में भी लग जाएगी ऊर्जा, ऊर्जा तो लिमिटेड मिलती है आपको, और उस सारी ऊर्जा को पहले पचाओ फिर जो वेस्ट निकले उसको बाहर फेंको, इसी सब में आपकी सारी ऊर्जा बे हो जाती। आधा खाना खाएं लेकिन खाएं उतनी देर, अगर आधे घंटे खाने खाते हैं तो 15 मिनट ना खाएं, आधा घंटा खाने खाते हैं तो 5 मिनट और 35 मिनट खाना खाइए, लेकिन खाना आधा कर दीजिए तो स्वाद आपको पूरा मिलेगा। आधा तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन एक रोटी कम कर दी, एक रोटी तो सब कोई कम कर सकता है, एक रोटी कम कर दो, और भी कुछ अगड़म बगड़म खाते हो वो भी कम कर दो, थोड़ा कम करो, थोड़ा शरीर को शुद्धि की ओर ले जाओ। और रात्रि जितना जल्दी हो सके उतना भोजन जल्दी करो, तब ध्यान में आपकी गति आएगी। जितने लोग कहते हैं कि ध्यान में गति नहीं आती उन्हीं चीज़ों का ध्यान नहीं करते जो मैं कल से समझा रहा हूँ।